अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मुड़ास किचन ऑफिशियल। आज मैं आपके लिए नवाबी चिकन की रेसिपी लाई हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी एंड इजी भी होती है प्रिपेयर करने में। इसे आप नान, बटर नान, खुशका या फिर घी राइस के साथ सर्व करें। इस क्रीमी एंड रिच चिकन करी के लिए ना ही कोई क्रीम की ज़रूरत है। ये एक यूनिक एंड ऑथेंटिक रेसिपी है। इसे स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए। सो लेट्स स्टार्ट दी रेसिपी। फॉर नवाबी चिकन फर्स्ट वील प्रिपेयर वन स्पाइस पाउडर, वन टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स, फाइव क्लव्स स्मॉल सिनेमन स्टिक, वन टेबल स्पून फेनल सीड्स, वन एंड हाफ टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स, वन टेबल स्पून ब्लैक पेपर कॉर्न्स, फोर ग्रीन कार्डमम एंड फोर कश्मीरी ड्राइड रेड चिलीज। अब इन सारे स्पाइसेस को ड्राई रोस्ट करते हैं ऑन लो टू मीडियम फ्लेम। इन स्पाइसेस को स्मोक और एक अच्छी सी स्मेल आने तक रोस्ट करेंगे। इसे रोस्ट करने के लिए 2 से 3 मिनट लगेंगे। जैसे ही इसमें से स्मोक आना स्टार्ट हो जाए, गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे एंड स्पाइसेस को ठंडा होने के बाद मिक्सचर जार में ट्रांसफ़र कर पाउडर फॉर्म बना लेंगे। नेक्स्ट अब एक पेस्ट प्रिपेयर करते हैं। पेस्ट बनाने के लिए 1 कप फ्राइड अनियन, 12 आमंड्स, 5 टेबलस्पून योगर्ट यानी कि दही एंड 15 कैशू नट्स। अब इन सबको भी ब्लेंड करके स्मूथ सा पेस्ट बनाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये ड्राई रोस्टेड स्पाइसेस का पाउडर भी रेडी है। अब इस पाउडर को रिमूव करेंगे एंड सेम जार में ये फ्राइड अनियन, आमंड्स, कैशू एंड योगर्ट का पेस्ट प्रिपेयर करेंगे। ये पेस्ट भी रेडी है। अब ग्रेवी बनाने के लिए कुकिंग पैन में घी ऐड करेंगे। दिस इज़ अराउंड 3 टेबलस्पून। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम पर रखें। जैसे ही घी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, ऐड करें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट को सौते करेंगे फॉर 30 सेकेंड, सो दैट इसकी रॉ स्मेल निकल जाए। यहाँ पर अब इसमें ये स्पाइस पाउडर ऐड करते हैं। ये वही पाउडर है जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में प्रिपेयर किया था। ये अराउंड 2 to 2.5 टेबलस्पून ऐड करेंगे एंड स्पाइस पाउडर को फ्राई करेंगे विद जिंजर गार्लिक पेस्ट फॉर 30 सेकेंड्स एंड फिर ये 1 kg क्लीन एंड वॉश चिकन डालकर चिकन को इन स्पाइसेस के साथ भूनना है फॉर 5 मिनट्स ऑन हाई फ्लेम। जी हाँ, फ्लेम को यहाँ पर हाई कर दें एंड चिकन को अच्छे से भून लें। 5 मिनट्स भून लेने के बाद ये 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करें, 1 टेबलस्पून सॉल्ट एंड 1/2 कप वाटर। अगेन सौते करेंगे एंड फ्लेम को अब मीडियम पर कर दें एंड चिकन को बॉईल आने तक कुक करें। ये देखिए फ्रेंड्स, बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। अब ये पेस्ट ऐड करेंगे फ्राइड अनियन, आमंड्स, कैश्यू नट्स एंड योगर्ट का। अब चिकन को इस पेस्ट के साथ भूनना है दोबारा से एक बॉईल आने तक। चिकन को जितना भूनेंगे उतना टेस्ट अच्छा आता है, प्लस चिकन जल्दी सॉफ्ट भी हो जाता है। जब बॉईल आने लग जाए, ग्रेवी में 1 ग्लास वाटर ऐड करेंगे उसी जार को क्लीन कर जिसमें ये पेस्ट प्रिपेयर किया था। मिक्स करें एंड लीड कवर कर कुक करें फॉर 20 मिनट्स ऑन मीडियम फ्लेम, सो दैट चिकन सॉफ्ट एंड टेंडर हो जाए। 20 मिनट्स बाद लीड ओपन करें एंड एक बार स्टर करें। फ्रेंड्स चिकन कुक हो गया है, बट ग्रेवी की कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई है, सो विल ऐड 1/2 ग्लास ऑफ वाटर। मैंने ये हॉट वाटर ऐड किया है। आप भी हो सके तो हॉट वाटर ही ऐड करें, बिकॉज इससे ना ग्रेवी का टेक्सचर ख़राब नहीं होता है, प्लस कुकिंग प्रोसेस भी स्लो नहीं होता है। वाटर आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें, कम या ज़्यादा। नेक्स्ट ऐड करते हैं ये 3 चॉप्ड ग्रीन चिलीज, थोड़े से जिंजर जूलियंस, 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर एंड स्प्रिंकल करें ये स्पाइस पाउडर जो स्टार्ट में बनाया था। अब यहाँ पर ये अराउंड 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे एंड साथ ही ये फ्रेश कोरिएंडर लीव्स एंड 1 मिनट तक ऐसे ही स्टर करें। इसी स्टेज पर सॉल्ट चेक कर लें। देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है, यानी कि नवाबी चिकन रेडी हो गया है। तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें,
लेट्स डिश आउट दिस डिलीशियस नवाबी चिकन। सो है ना फ्रेंड्स, ये इजी, सिंपल एंड टेस्टी भी, तो क्यों ना आप भी इसे जल्दी से ट्राई करें और इन्जॉय करें इस अमेजिंग एंड रिच नवाबी चिकन को विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर आपको इस नवाबी चिकन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।